नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक काटा आया है और इस इलेक्ट्रॉनिक काटा पर देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से आज हम इसे रिपेयर करके दिखाएंगे। तो चलिए हम पावर ऑन करके देखते हैं। देख सकते हैं ये पावर ऑन करते ही हमारी जो लाइटिंग है ये ब्लिकिंग कर रही है। और चलिए खड़ा होने देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जीरो पर सिंबल आ चुका है और जैसे ही हम कुछ भी वेट देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ माइनस प्लस कभी भी अप डाउन जो वजन है वो होते रहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे सेट किया जाए, चलिए आज की वीडियो में हम सब सीखेंगे। इससे पहले आप सभी से छोटी सी निवेदन है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो से आप सबको कुछ भी सीख मिले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले कांटे की वजन सही करने के लिए हम इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम हुआ है। इसकी बैटरी को भी चेक करना है, मेन बोर्ड को भी, सप्लाई को चेक करना है और सभी सप्लाई को भी हम चेक करके दिखाएंगे। चलिए हम सबसे पहले ये कांटा को हम ओपन करते हैं। तो ये कांटा खुल चुका है और देख सकते हैं हम खोलने के बाद जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं इसमें चूहा वूहा की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ वायर भी अच्छी तरह से सॉल्ड किया हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ सॉल्ड होने के बाद भी इसके सप्लाई ड्रॉप हो रही है। चलिए इसकी अब इसकी चेक करते हैं दोस्तों। इसकी सप्लाई बैटरी कम चार्ज होने की वजह से भी इसी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम बैटरी की चार्ज को टेस्ट करते हैं सबसे पहले। चलिए अब मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करते हैं इसकी सप्लाई। तो यहाँ 6 वोल्ट की सप्लाई जो है हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि बैटरी की चार्ज जो है वो कम्प्लीटली रेडी है। चलिए एक बार हम बैटरी को इस तरह से कनेक्टर को रखेंगे और चार्ज इसको हम ऑन करके देखेंगे कि सप्लाई हमारी घट रही है क्या। तो देख सकते हैं जब हमारी कांटा ऑन होती है तो फिर भी हमें 6 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रहा है, यानी कि सप्लाई जो है बिल्कुल ओके है, बैटरी से प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई और प्रॉब्लम है। चलिए हम चेक करते हैं कहाँ से प्रॉब्लम हुआ है और अच्छी तरह से उसको हम चेक करेंगे। तो वजन जो है दोस्तों, वजन दिखाने के लिए ये हमारी वायर है और इस वायर से हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साफ करेंगे हम अच्छी तरह से। यहाँ देख सकते हैं हल्की सी हमारी सेम लगी हुई है इस बोर्ड में, हल्का सा सेम लगा हुआ है, देख सकते हैं पानी लगा हुआ है कहीं कहीं। तो हम ब्रश की सहायता सब चलिए साफ करते हैं पहले, फिर ऑन करके देखते हैं। तो काट के हम अच्छी तरह से साफ सफाई कर चुके हैं। अब चलिए फिर से हम दोबारा इसे पावर ऑन करते हैं। ये पावर ऑन हो रहा है और पावर ऑन होने के बाद चलिए हम देखते हैं। तो फिर भी देख सकते हैं माइनस आ रही है, माइनस की सिंबल हो रही है। तो दोस्तों साफ सफाई करने के बाद भी इस कांटे पर अप डाउन की प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है। तो दोस्तों जब साफ़ सफाई करने के बाद भी नहीं होता है, वायर भी कहीं नहीं कटी, ट्रांजिस्टर भी कहीं नहीं कटी है और देख सकते हैं इसमें सेम केबल लगा है जिसकी वजह से केबल अप डाउन प्रॉब्लम हो रही। और आपको बैटरी भी हम चेक करके दिखा चुके हैं, बैटरी भी हमारी फुल्ली चार्ज है, इसमें डिस्चार्ज नहीं हुआ है, चार्ज भी ले रही है फिर भी नहीं सही हो रहा है। तो आखिर में हम क्या करें, तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। अब आखिर जब इतना करने के बाद भी अगर कांटे पर अप डाउन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो लास्ट रीजन है दोस्तों, इसको हीट करके देखना है। तो हमारे पास ब्लोअर मशीन है और ब्लोअर मशीन की सहायता से हम सबसे पहले हीट मारेंगे कांटे पर। इस तरह से हल्की हल्की हीट लगा लेना है क्योंकि अगर बारिश की मौसम है दोस्तों इसमें, और इसमें सेम लगने से भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी पार्ट्स ख़राब नहीं है फिर भी हमारी अप डाउन की प्रॉब्लम आती है इस कांटे पर, तो दोस्तों आप ज़रूर बेहिचक हीट लगा के देख लीजिएगा, 100% सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारी फुल गारंटी है। तो चलिए आज लाइव प्रूफ हम देखते हैं दोस्तों, ये हीट करने के बाद हमारी कांटा जो है दोस्तों पूरी तरह से ठीक होती है या नहीं। तो चलिए हम हीट लगा चुके हैं, इसमें ज़्यादा हीट नहीं लगाना है, नहीं तो कोई पार्ट्स जो है दोस्तों ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। तो इतना ही हीट लगाना है, अभी हीट लग चुका है और देख सकते हैं पूरी तरह से जो
बोर्ड पर सेम थी वो सेम अभी हट चुकी है, देख सकते हैं पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब चलिए हम पावर ऑन करके आप सबको हम दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं पावर ऑन हो रही है, अब होने देते हैं पावर ऑन, उसके बाद आप सबको दिखाते हैं दोस्तों इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं। तो दोस्तों चलिए हम एक दो कांटे पर हम इस तरह से हीट लगा करके इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब इसमें हम चेक करते हैं। तो अभी जो है जीरो सिंबल दिख रही है, अभी जो है दोस्तों पूरी तरह से खड़ी है, और तो देख सकते हैं दोस्तों ये अभी पूरी तरह से वर्क कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वेट रखते हैं दोस्तों ये जीरो पर आ जा रही है, देख सकते हैं फिर से ये जीरो पर आ जा रही है। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, हम जानते हैं दोस्तों इसमें सेम लगा था जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई थी। अब जैसे सेम लगता है दोस्तों किसी भी हीट मशीन से आप हीट कर दीजिएगा मशीन को, आप बिल्कुल 100% ये सही हो जाएगी, ये हमारी फुल गारंटी है। तो देख सकते हैं ये फुल अभी रिपेयर हो चुकी है, यहाँ देख सकते हैं माइनस भी ला सकते हैं और इस तरह से छोड़ देंगे तो हम जीरो पर आ जा रही है, देख सकते हैं फिर से हम जैसे वेट चढ़ाते हैं दोस्तों इस तरह से वजन हो जा रहा है और फिर से जीरो में आ जा रही है, यानी कि ये बिल्कुल सही हो चुका है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आई होप वीडियो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन घंटी वो ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।